बाइक पर बैठा ये लंगूर जिस शख्स का कान खींच रहा है वो इस पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिसकर्मी है। ये लंगूर इस पुलिस स्टेशन पर पिछले काफी दिनों से धमा चौकड़ी मचा रहा था, खासकर पुलिस वालों से काफी ज्यादा चिढ़ता था, लिहाजा इसने कई पुलिस कर्मियों को घायल भी किया था। पुलिस वाले इस लंगूर से खौफ खाते थे। थाने में जो हम शहर में उत्पात मचा रहा था, जिससे पब्लिक भी भयभीत थी, पुलिस परिसर में ज्यादा ही समय वो अपना समय दे रहा था। इस दौरान पुलिस दो तीन पुलिसकर्मियों को भी उसने घायल कर दिया था, जिसको फॉरेस्ट विभाग को सूचित कर और पुलिस उनके आने पर पुलिस द्वारा पुलिस के सहयोग से उस बंदर को पकड़कर वन विभाग के सुपुर्द किया गया। पुलिस कर्मियों पर बढ़ते हमले से चिंतित अधिकारियों ने वन विभाग की मदद ली। वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस लंगूर पर काबू पाया और उसे पकड़ लिया। ये आमला क्षेत्र में मतलब एक उत्पाती बंदर द्वारा बहुत दिनों से परेशान कर रहा था, जाके थाने में जाके बैठ जाना, उनको काम नहीं करने देना, तो इस वजह से यहाँ बार बार शिकायत आ रही थी कि बंदर को पकड़ो पकड़ो। फिर हमारा स्टाफ गया, उसको जाल और उसका पिंजरा बुलवाया हम लोगों ने बैतूल से, और फिर उसको रेस्क्यू करके पिंजरे में बंद किया, और जिसे ले जाकर मोबाइल मतलब पचामा बीट में ले जाकर ये झरने के पास छोड़ा गया सुरक्षित, ना उसको किसी प्रकार की हताहत हुई और ना किसी प्रकार जनहानि। फिलहाल इस लंगूर को अब जंगल में छोड़ दिया गया है, लेकिन इस लंगूर की चर्चा इस इलाके में काफी हो रही थी। बैतूल से राजेश भाटिया की रिपोर्ट, एमपी तक।